हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करना चाहूँगा अक्सर जिसके बारे में मेरे सारे स्टूडेंट्स मेरे सारे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं कि हाउ टू गेट कॉन्फिडेंस इन मेकिंग प्रेजेंस इधर ऑन स्टेज और क्लासरूम, कैसे कॉन्फिडेंस लाएं इधर अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग कन्वर्सेशन और एनी प्रेजेंटेशन। सिंपल फार्मूला दोस्तों, बहुत शॉर्ट में कह रहा हूँ, सिंपल फार्मूला है, जस्ट प्रैक्टिसिंग हार्ड, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग हार्ड, प्रैक्टिस करते रहिए अगेन एंड अगेन। अगर किसी काम को आप 10 बार करेंगे 11वीं बार पहली बार से बेटर होगा, आप 25 बार करेंगे 26वीं बार 5वीं बार से बेटर होगा, आप 100 बार करने के बाद जब 101वीं बार वो काम करेंगे तो वो 101 टाइम्स वाला परफॉर्मेंस आपके पहले 50 60 70 परफॉर्मेंस से बेटर होगा। सिंपल फार्मूला, कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना। सो जस्ट मेक एंड मेक मोर प्रैक्टिस, इट विल शार्पन योर नॉलेज, इट विल शार्पन योर स्किल, इट विल मेक यू ब्राइटर बेटर एंड ग्रेटर, आपको बेहतर बनाएगी अच्छा बनाएगी। कोई काम से पीछे मत हटिएगा, लेजी मत बनिएगा, अपने एफर्ट्स जारी रखिएगा, आपको कॉन्फिडेंस वैसे ही मिलता रहेगा जैसे आपकी मदर ने पिछले 25-30 साल खाना बनाया है और उन्हें कॉन्फिडेंस हो गया है कि नमक कितना पड़ना चाहिए, उन्हें कॉन्फिडेंस हो गया है कि कितना पानी डालने से आटा गूंधेंगे। सिंपल फार्मूला है यार, लगे रहिए और काम को आगे बनाए रखिए, आपकी प्रैक्टिस आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरती चली जाएगी और एक दिन आप अर्श पर होंगे। ओके, सो लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। इस की को लीजिएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरता ही चला जाएगा किसी भी काम को करना, चाहे वो बोलने का हो, लिखने का हो, यू नो, कुछ डिज़ाइन करने का हो, कुछ मैन्युफैक्चर करने का हो, सिर्फ प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा हल है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स को ये शेयर करें, सब्सक्राइब अभी करिएगा प्लीज़। थैंक यू, बाय, टेक केयर।